हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, हमारे पास देखिए बहुत से कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि डाउजिंग रोड की वीडियो बनाई जाए, डाउजिंग रोड की वीडियो बनाई जाए। कम से हमारे जो प्यारे कस्टमर हैं, बहुत अच्छे कस्टमर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमने ये डाउजिंग रोड लेकर के आए हैं। और मशीन हमारे पास इक्नॉक 600 और जो इसमें कॉयल लगी हुई है 15 इंची कॉयल है। और इसके साथ साथ हमने लिया हुआ है लॉन्ग रेंज लोकेटर एसएस किंग वालों का, और ये भी है जो है एसएस किंग वालों के है ये डाउजिंग रोड। तो थोड़ा नए वर्जन में डाउजिंग रोड आई है, थोड़ा जो पुराना था वो थोड़ा हमारा चेंज हो गया, क्योंकि वो जो पहले वाली डाउजिंग रोड थी वो थोड़ा सा छोटी थी, वो जो इधर से 3 इंच छोटी हुआ करती थी और यहाँ से भी 3 इंच छोटी हुआ करती थी। और अब इसको क्या किया करवाया डाउजिंग रोड वालों ने, इसको पूरा 3 इंची लंबा करवा दिया। और इसको मुठ्ठी पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होता था, तो ये भी थोड़ा पहले से बड़ा हो गया ये चीज़। तो अब ये काफ़ी कम्फर्टेबल है और इसको पकड़ना भी काफ़ी आसान है और एक वर्क भी बहुत अच्छे से करती है। तो हम आए हुए नई लोकेशन पर, ये सर हैं हमारे रोहित सर, इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया हुआ है। तो सर बताइए, यहाँ के विषय में आपने हमें किस क्या सोच करके यहाँ पर बुलाया है। मैंने ये सोच करके बुलाया है आपको कि यहाँ पे ये जो पेड़ है हमारा, ये बहुत पुराना है। यहाँ लोग बताते थे, मेरे आजा पुरखा लोग बताते थे कि यहाँ पे कि कोई चीज़ है, कोई खजाने जैसी चीज़ है यहाँ पे। बहुत बार आदमी आए भी, खोद के भी गए, लेकिन उन्होंने कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर भी लेकिन आजा पुरखा बताते हैं यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ है। मैंने आपका वो वीडियो देखा, आपकी वीडियो पे मैंने देखा, तो आपका जो ये सिस्टम है आप आके इसको एक बार चेक करो। अच्छा, वीडियो देखा था आपने हमारा? हाँ, आपका वीडियो। मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया हमारे? हाँ, सब कुछ किया है। बंदे और भी लोग हैं और सब करें। अच्छा। मैं चाहूँ जितना करें लाइक वीडियो फॉलो। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर आके देखो इसको कि क्या चीज़ है, पेड़ को आपको आ जाओ दिखाते हैं। तो ठीक है सर, इनका कहने का मतलब है दोस्तों कि ये पुराना सा एक पेड़ है, ये दिखाइए दोस्तों। ये पेड़ का साइज देखिए, इधर देखिए इतना ये चौड़ा पेड़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मशीन का, ये देखिए लंबाई, दूर से दिखाई, ये देखिए, ये इतना देखिए मशीन, इतनी इस पेड़ की चौड़ाई है, ये देखिए। और मशीन की पेड़ की चौड़ाई बहुत बड़ा था, लेकिन आधा गिर गया, आधा गिर चुका है, गिर चुका है। और जगह भी थोड़ा ये सस्पेंस वाली है, क्योंकि ये बहुत अजीब सा पेड़ लग रहा है। ऐसा पेड़ मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है। थोड़ा ऊपर तक दिखाइए, कम से कम नहीं 300-400 साल पुराना पेड़ है, और ऐसा पेड़ मैंने तो कभी देखा नहीं है। देखिए बहुत ख़तरनाक पेड़ लग रहा है। और मशीन को हम रख देते हैं, क्योंकि लोकेशन हमें बिल्कुल करेक्ट पता करनी है। आप मशीन को पकड़ लीजिए और पहले हम डाउजिंग रोड से चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, डाउजिंग रोड जब आप चलाओ सबसे पहले इसको क्या करना होता है, ग्राउंड बैलेंस के लिए इसको ज़मीन में टच करना होता है, ताकि ये ज़मीन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, ऑब्जर्व कर ले। जो इसके अंदर मतलब इसमें झूठने की जो इसकी पावर है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और डाउजिंग रोड को जब पकड़ें तो जो गैप होना चाहिए आपका 8 से 10 इंच के आसपास, वो दोनों हाथों के बीच में गैप होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए सिग्नल ऑटोमेटिक बताएगी, आपकी तरफ इशारा कर रही है। आपके पास ये डाउजिंग रोड है ना, इसको आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्या पता इस पर थोड़ा सिग्नल करें। हाँ, मशीन भी रख दो। और दोस्तों, ये डाउजिंग रोड चलाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपके आसपास भीड़ ज़्यादा ना करें, शोर शराबा ज़्यादा ना करें। इसको चलाते समय आपका जो दिमाग है, माइंड होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि ये माइंड के हिसाब से चलती है। कोई मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, ये एक साइंटिफिशियल चीज़ है जो दिमाग से चलती है। आपका दिमाग जितना शांत रहेगा और उसी हिसाब से ये मशीन काम करती है। तो फिर से करते हैं हम इस ग्राउंड बैलेंस में। पेड़ की तरफ ही इशारा कर रही है। एक बार फिर से हम डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए
पेड़ की तरफ इशारा कर रही है। इधर से दिखाइए थोड़ा, इधर से आइए। तो इस दिशा में हम चलते हैं थोड़ा सा, थोड़ा ये पेड़ की दिशा में ही सिग्नल कर रही है। देखिए यार ये तो पेड़ की दिशा में, अब हमें मतलब थोड़ा उस तरफ से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हम थोड़ा इस तरफ से चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये पेड़ इस दिशा में कर रही है, अगर इस दिशा में क्या पता आगे तक भी कुछ सिग्नल हो सकता है। फिर इसी पेड़ की तरफ दिशा कर रही है, अब दिखाइए इधर से, देखो पेड़ पेड़ की तरफ ही ये सिग्नल कर रही है। देखिए बिल्कुल इजी पकड़ा, 8 से 10 इंच का गैप करा पूरा, ये देखिए। चलते हैं पेड़ की दिशा में फिर दोबारा से, रुक जाओ कहाँ जाता है, रुक जा 10 मिनट रुक जा के बताया। यार देखा, देखो तो इस जगह पर क्रॉस हो रहा है, देखो एक बार रीचेक कर लेते हैं। देखो जगह बजाने के बाद जगह क्रॉस हो रहा है, जैसे यहाँ से पीछे हटते हैं ये फिर से अपनी सेफ पा जाते हैं। अरे देखिए फिर से उस तरफ जाते हैं, यहाँ पर आके फिर क्रॉस हो जाता है, यह हम इस तरफ साइड में होते हैं तो अभी ये हट जा रहा है, और यह हम देखिए इस जगह पर जाएंगे ये क्रॉस हो रहा है, और इस तरफ हटेंगे तो ये अपनी पोजीशन में फिर आ जा रहा है, दूर हो जा रहा है, और इस जगह आएंगे तो एक क्रॉस हो जा रहा है। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों मशीन का, देखिए चलाने का जो तरीका, देखिए जब ये अपनी मतलब लोकेशन मतलब कोई इसको सिग्नल मिल रहा है तो उस जगह पर ये क्रॉस हो जा रहा है, अगर हम उस जगह से दूर हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही इस क्रॉसिंग से हट जा रहा है, और नॉर्मल जो नॉर्मल पोजीशन होती है सेम उसी पोजीशन पे आ जा रहा है। और अगर ये देखिए यहाँ पर फिर जा रहा है तो ये देखिए फिर से क्रॉस हो रहा है, देख रहे हैं। और ये देखिए एल बन रहा है, एल मतलब ये गोल्ड का सिग्नल दे रहा है यहाँ पर, इस जगह पर ये लोकेशन दे रहा है। ये मान लीजिए कि ये देखिए ये यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, अगर हम यहाँ से हम पीछे हटते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक हट जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ही क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। एक बार मशीन दिखा दो, मशीन से भी चेक कर देते हैं, पकड़िए इसको, तो दोस्तों हमने एक नॉक 600 मशीन 15 इंची की जो कॉयल है इसको लगा लेते हैं। दोस्तों मशीन को कर लेते हैं हम चालू, और सब चीज़ें पहले से फिट है, सब चीज़ें
और एक बार सिग्नल चेक कर लेते हैं। इस जगह पर है, पिन पॉइंटर चालू करते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये इकनॉक्स स्टैंडर्ड जो मेटल डिटेक्टर मशीन है, ये भी बहुत अच्छा सिग्नल दे रही है। और इसको कर देते हैं बंद। अब एक बार हम करते हैं लॉन्ग रेंज लोकेटर से चेक। मुझे दूसरा लो, इसको रखिए, लो इसको ले जाओ, लोकेटर ले जाओ। ये बच्चे आपके घर के ही हैं सब? सारे अपने। तो ये देखिए दोस्तों, ये लोकेटर से भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, ठीक है दोस्तों, लोकेटर का सिग्नल देखिए, ये भी इसी दिशा में लोकेट कर रहा है। और अगर हम इस तरफ जाते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर ये हिल रहा है। देखिए, इसको घूमने की जगह नहीं है यहाँ पर, ये पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर, ये देखिए, अगर हम यहाँ से हटते हैं, ये देखिए, ये दिशा दे रहा है इस तरफ से। और अगर हम इस तरफ हटते हैं तो ये देखिए इस तरह से दिशा दे रहा है। ये देखिए, अगर हम स्ट्रेट होते हैं तो स्ट्रेट दिशा दे रहा है। और इस जगह से अगर हम इस तरफ जाते हैं, ये देखिए, इधर से भी ये उसी दिशा में लोकेट कर रहा है। देखिए देखिए, मशीन लोकेट को हमने ये देखिए इस तरीके से पकड़ा हुआ है। और लोकेट करने के बाद ये देखिए, ये भी स्ट्रेट दे रहा है। अगर हम ये थोड़ा सा राइट जाते हैं तो ये जहाँ पर टारगेट है उस जगह को टारगेट कर रहा है। और अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो भी ये देखिए टारगेट कर रहा है सेम पोजिशन पर। और अगर हम उस लोकेशन पर जाते हैं, ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए सिग्नल दे रहा है, क्योंकि इसको चारों तरफ घूमने की जगह नहीं है, नहीं तो यहीं पे राउंड राउंड घूमने लगता। तो सर, आप यहीं पर ट्राई करिए फावड़ा ला करके। कहाँ बात है, ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगी किस तरीके से ये लोकेटर वर्क करता है और किस तरीके से हमारी डाउजिंग रॉड वर्क कर रही है और किस तरीके से इकनॉक्स 600 मेटल डिटेक्टर वर्क करता है। हमें यहाँ से एक रुपये का भी कोई लालच नहीं है, जो भी मिलेगा वो सर का होगा और सिर्फ हमें यहाँ से रेंट मिलेगा, वो भी सर देंगे। ठीक है सर, खोदिए आप। ठीक है ये में बहुत कीड़वा रहा है। देखो ये कैसा कीड़ा है, ये चीज़ ही देखें, दिखाना, ये थोड़ा पत्ता पकड़ जाने, कीड़ा कैसा है, क्या चीज़ है ये? मकड़ा है। हाँ, मकड़ा इसे कोई काटता वाटता तो नहीं? काट लेता है, देखना है काटे वाटे। नहीं काटे वाटे ना, तो कराइए। पेड़ फटा है, कहा है पूरा इस तरह से, पेड़ फटा हुआ है पूरा, ये बहुत पुराना पेड़ हो गया। लेकिन इसको अंदर दर्रा छोड़ दिया है ना, एकदम माटी, मतलब पेड़ के अंदर मिट्टी कैसे हो आ गई है? कीड़े खा गए हैं पेड़ को ही, कीड़े खा गए हैं, पुराना हो गया ना। देखो जड़ वड़ भी है इसके अंदर, बिल विल तो नहीं है इसके अंदर? क्या पता, खोदेंगे देखेंगे बिल क्या मिलता है। भैया यहाँ से कीड़ा फटार निकला, कुछ अन्न लग रहा है यहाँ। देखो आराम से निकालो, साबुत निकालो, क्या चीज़ देखो, मिट्टी मिट्टी का बर्तन जैसा लग रहा है। आराम से निकालो, आराम से, आराम से, चीज़ देखो ये कहा है, गगरी है, देखते हैं क्या है। तो भीड़ मतलब भाई वीडियो ही बंद कर देंगे।
हाथ में डालो इस तरीके से कुछ नहीं निकल सकता, कीड़ा बीच कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो फोड़ के फोड़ना है का? फोड़ी नहीं, फोड़ना फोड़ना हल्का हल्का निखारा दिखाई कच कुछ नहीं कच्ची कहा है। बस 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 वीडियो ही रोक दो और अंदर देखना वो क्या चीज़ है। बस इसे दिखा, इसे दिखा दे बस, ज़्यादा नहीं। बस बस कैमरा पकड़ो, कैमरा पकड़ो और बैठा बैठा सब कैमरा के पीछे जाओ इधर इधर। अब दोस्त देखिए हमें यहाँ से ये मिला हुआ ये चीज़, ये देखिए, और इसके अंदर कुछ ये इस टाइप का मेटल है और भी कुछ है इसके अंदर। ये देखिए, ये देखिए, ये सिक्के हैं, ये देखिए और भी कुछ है इसमें, ये देखिए, ये देखिए थोड़ा आप देख लीजिए दूर, बहुत ज़्यादा करीब से हम इसको दिखा नहीं सकते हैं। देखिए थोड़े कॉइन कॉइन वगैरह है इसके अंदर। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं दिखा सकते इसके अंदर क्या चीज़ है। और अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं ये लोकेटर या फिर डाउजिंग रॉड या फिर मेटल डिटेक्टर मशीन, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है और मिस्टर संजय पासी जी का, उनका ऑफिस है उत्तर प्रदेश अमेठी के अंदर। आप उत्तर प्रदेश अमेठी विजिट करके या फिर फ़ोन करके कैश ऑन डिलीवरी मशीन का ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। ठीक है सर।